नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद और आज डे है 19 और अभी करीबन सुबह के बजे हैं 9। और दोस्तों आज हर रोज़ की तरह जो हम डेली ब्लॉग बनाते हैं कि सुबह उठना, झाड़ू मारना, बिस्तर मिलाना, ब्रश करना, बकरी बनना, उसके ऊपर हम आज वीडियो नहीं बना रहे। तो आज का जो वीडियो है ये ज़्यादातर शूट माँ के ऊपर हुआ है क्योंकि आज माँ ने कुछ अलग बनाया था। एक तो कोचू का सब्जी और डेली हमारा लोकल जो डिश है वो बनते रहता है, कोचू का बॉईल बनता है तो वो बनाया। और दूसरा है बोगड़ी का अचार कि कैसे बनाया जाए बोगड़ी का अचार यानी कि जूजूबी का पिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ दोस्तों और माँ के आशीर्वाद के साथ। तो आज हम खाएँगे कोचू सब्जी। ये है कोचू की कोचू में मलाई कोचू। तो ये है मेरी माँ कोचू साफ कर रही है, इसका ये वाला निकाल दिया जाता है ऐसे करके। हमको थोड़ा सा ऐसे करके उसको काट दिया जाता है और ख़त्म। तो ऐसे करके इसको ऐसे ये निकल गई है और वो वाला जो वहाँ पे ऐसे करके डाल दिया जाता है उसको सब्जी बनेंगे बॉईल करके। बॉईल करके नहीं बना बना हाँ, तो वो बॉईल करके बनेगा। बाद में जब हो जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे और कैसे टेस्ट हुआ है बताएंगे। वैसे तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो भाई यहाँ पे जो कोचू का सब्जी वो बन रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, इसमें आलू और कोचू और बिलाही ऐसे ना, तो बिलाही डाला हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल से ये बॉयल है, फिर थोड़ी देर के बाद इसका पानी जो ऊपर सूख जाएगा तो उसके बाद आपको दिखते देखा। और नहीं सुखाए क्यों बोलते, बस ये इतना ही है। तो अभी इसका पानी निकाल देंगे मम्मी और उसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा। पानी मिला जी वो पानी भी नहीं निकालेंगे जैसे ही बनेगा इसको अभी भाग दिया जाएगा। ये है आओ, उसको भूख लग रहा है, उसको अभी बिस्कुट दे देंगे। सुबह का मैंने इसको बिस्कुट दिया था लेकिन खाया नहीं बहुत बदमा से। तो कोचू की सब्जी में लहसुन डाला जाएगा और क्या डाला जाएगा मम्मी यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है, और ज़्यादा लहसुन डाला जाएगा उस पर और सूखे को मिर्चा डाला, सूखे सूखा मिर्चा डाला जाएगा और सरसों डाला जाएगा। तो हमारे कोचू के सब्जी पे डाला जाएगा लहसुन। तो ये है लहसुन। तो माची वादी हो गई और फिर मीठा तेल डाला जा रहा है, ये हनुमान मीठा तेल है। वैसे ऐसे डाला दे रहे हैं, अब देख रहे हैं मेरी मम्मी का स्टाइल। तो आप कितना लहसुन डाला तुमने, क्या डाला? इसमें 8 लहसुन डाला गया है, सूखा मिर्चा और सूखा मिर्चा 5, सूखा मिर्चा 5, सूखा मिर्चा को भी तोड़ दिया जा रहा है। इसको ठेंग डाल दिया गया, अभी इसमें क्या डाला जाएगा पता नहीं, इसमें क्या डाला जाएगा अभी डाल दिया बस। लहसुन और मिर्चा का गंध आ रहा है, इधर गया नाक में और सब्जी दूर भाग गया। अब भी जरूर ट्राई कीजिएगा ऐसे बना के खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स जरूर घर में एक बार आप ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से कोचू बना के खाने के लिए। इसमें नींबू टेंगा भी डाला जाएगा, नींबू नहीं तो गला में खराश हो जाएगी, गले गले का हालत ख़राब हो जाएगा अगर इसमें नींबू नहीं डालेंगे।
खुजली हो जाएगा, इसलिए नींबू डाला जा रहा है इसमें। ज़्यादा नींबू नहीं डालना है, थोड़ा सा डालने से भी हो जाएगा। दो चम्मच है ना, दो चम्मच के आसपास ये बस हो गया। और कुछ नहीं, उसको अभी सूखने देंगे। बस इतना ही है हमारा हो चुका सब्जी, और इसको थोड़ा सा सूखेगा, उसके बाद ये सब्जी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको खाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। ये बुगड़ी अचार बनाने के लिए, घर का बुगड़ी है तो इसमें मसाला कूट के रेडी है। और मसाला में है जीरा 5 फोरन, तो इसका अभी ऐसे करना है, आप देख लीजिए। उसके बाद मुझे भी करना पड़ेगा। मैं मुस्लिम देखो रोक नहीं, मैं जो भी देख इसका ये वाला डंटी जो निकाल देता है, ये वाला बुगड़ी का डंटी निकाल देना है और फेंक देना है। तो ठीक है, मैं काम करना शुरू करता हूँ और वीडियो बाद में बनाते हैं। ये हो चुका है बुगड़ी ऐसे करके, तो कुछ कुछ बुगड़ी में कीड़ा आ गया, ऐसे ये छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अजर कीड़ा ये वाला कीड़ा इसका मैं फ़ोटो मार के आपको अच्छे से दे दूँगा। ये बुगड़ी के अंदर से किसी किसी से निकला, क्योंकि मैं एक आपको दिखा रहा हूँ। आ गया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे करके ये वाला कीड़ा निकला हुआ से, कॉकरोच के बच्चे जैसे। तो ये हो चुका है, तो अभी इसमें यहाँ पर मसाला कूट के रेडी हो गया। तो मसाला को इसमें डाल के और इसमें मीठा तेल डाला जाएगा, तो उसके बाद धूप पे सुखा दिया जाएगा कुछ देर के लिए, और उसके बाद इसको खा सकेंगे हम लोग जब मर्जी तब। तो गाइस इसमें डाला जा रहा है लाल मिर्च पाउडर BMC का, और क्या डाले, हल्दी, और हल्दी डाला गया है, और नमक डाला गया है। तो यहाँ पे मेरी छोटी मही बुगड़ी खा रही है, नमक और मिर्च है और मिर्च का पाउडर, इसमें नमक डाला जा रहा है। इसमें वो मसाला डाले जा रहे हैं 5 फोरन मसाला, तो जीरा धनिया गोलमरीच सौंफ, 5 फोरन डाल के इसको गर्म किया गया और इसमें डाल दिया गया। और इसमें है जीरा धनिया और सौंफ बूटी, और अभी इसको अच्छे से मिलाया जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो बुगड़ी का अचार बना जाता है, तो इसमें विनेगर नहीं डालते, तो इसको अच्छे से मिला दिया गया है। आज इसको धूप में सुखाया जाएगा 2-3 दिन के लिए ना, उसके बाद इसको हम बॉय में डाल देंगे। नाकत लगी से हो गया, तो ये अभी धूप में सुखेगा कुछ दिन के लिए। बस इतना ही है, तो आप के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।